हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब पर चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हर्षाय चोपड़ा। आज इस वीडियो में हम MBBS BDS एडमिशन के लिए एडमिशन अथॉरिटी के बारे में बात करेंगे। इसमें हम ये जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी अथॉरिटी हैं जिनके थ्रू MBBS BDS कोर्सेज में एडमिशन होता है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इनका एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों, इंडिया में MBBS और BDS एडमिशन के लिए सिर्फ दो ही अथॉरिटी हैं, यानी इन्हीं के थ्रू इन दोनों कोर्सेज में एडमिशन होता है। इनमें सबसे पहले MCC यानी मेडिकल काउंसिल कमेटी है, जिसमें 15% कोटा सीट ऑल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऑल डीम्ड यूनिवर्सिटी और ESIC कोटा सीट के लिए एडमिशन होता है। इसमें 15% ऑल इंडिया कोटा का मतलब J&K को छोड़कर हर एक स्टेट की गवर्नमेंट कॉलेज की 15% सीटों की काउंसलिंग MCC द्वारा करवाई जाती है। यह काउंसिल कमेटी डायरेक्टेड जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज मिनिस्ट्री फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से संचालित की जाती है। दूसरी अथॉरिटी इसमें स्टेट काउंसलिंग कमेटी होती है। हर एक स्टेट में अपने अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की 85% कोटा सीट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 100% सीट के लिए एडमिशन के लिए काउंसलिंग कमेटी गठित की जाती है, जो हर स्टेट के DME यानी डायरेक्टेड ऑफ मेडिकल एजुकेशन द्वारा की जाती है। दोस्तों, इंडिया में MBBS BDS एडमिशन के लिए दो ही अथॉरिटी हैं, इनके अलावा किसी भी अथॉरिटी द्वारा इन कोर्सेज के लिए एडमिशन नहीं दिया जाता है। इन कोर्स में एडमिशन नीट स्कोर पर ही होता है, जो NTA द्वारा 5 मई को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जा रही है। NTA द्वारा ऑल इंडिया कोटा रैंक MCC को व स्टेट DME को दे दी जाएगी। ये दोनों अथॉरिटी इस रैंक के अनुसार सभी मेडिकल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेंगे। अब हम ये बात करें कि इंडिया में MBBS BDS एडमिशन के लिए सभी इंस्टीट्यूशन में प्रोसेस क्या है, एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों, नीट का रिजल्ट आ जाने के बाद जून के सेकंड वीक में MCC द्वारा 15% ऑल इंडिया कोटा सीट और ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऑल डीम्ड यूनिवर्सिटी व ESIC कोटा के एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया जाता है, और 20 जून के आसपास फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी जाती है। इसके साथ ही साथ 20 से 25 या 30 जून के आसपास तकरीबन स्टेट के भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं, और 5 जुलाई के आसपास स्टेट भी अपना फर्स्ट राउंड की लिस्ट पब्लिश कर देते हैं। इसके बाद 10 जुलाई तक MCC द्वारा सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी जाती है, और 20 जुलाई के आसपास रिपोर्टिंग टाइम दिया जाता है। इसके बाद 15% ऑल इंडिया कोटा सीट की जो सीट वैकेंट रहती हैं, MCC उस सीट को स्टेट को ट्रांसफ़र कर देता है जिस स्टेट की ये सीट होती हैं। जैसे मान लो SMS जयपुर की 15% ऑल इंडिया कोटा की 3 सीट वैकेंट्स रह गई सेकंड राउंड के बाद, तो MCC द्वारा ये सीट राजस्थान DME को ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी, और राजस्थान स्टेट के काउंसलिंग कमेटी द्वारा इन सीटों पर एडमिशन दिया जाएगा। तो ऑल इंडिया की वैकेंट सीट ट्रांसफ़र हो जाने के बाद स्टेट अपना सेकेंड राउंड का काउंसलिंग कंडक्ट करवाते हैं। इसके बाद 15 अगस्त के आसपास MCC द्वारा सेंट्रल और डिम्ड यूनिवर्सिटी के लिए मॉपअप राउंड की काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जाती है, और 25 अगस्त के आसपास MCC द्वारा डिम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वैकेंट रही सीट इन इंस्टीट्यूट को स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए ट्रांसफ़र कर दी जाती है, जो इंस्टीट्यूशन द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। इसके साथ ही स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट भी पब्लिश कर दी जाती है। स्टेट काउंसलिंग कमेटी द्वारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो जाने के बाद मॉपअप राउंड कंडक्ट करवाया जाता है, और मॉपअप राउंड में वैकेंट रही सीट को स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट भी पब्लिश कर दी जाती है स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए। तो दोस्तों, ये कंप्लीट प्रोसेस था MBBS और BDS के एडमिशन के लिए। अभी इस टाइम में स्टूडेंट और पेरेंट के मोबाइल पर दलालों के काफ़ी फ़ोन आते हैं, ये बोलते हुए कि हम आपकी सीट दिला देंगे, आपको अभी लिमिटेड सीट हैं, आप अभी से रजिस्टर करवा लो, बुक करवा लो सीट को। तो मैं अपने हर वीडियो में यही बताता हूँ कि आपने इनके बहकावे में नहीं आना है। इंडिया में मेडिकल और डेंटल के लिए एडमिशन बिल्कुल पारदर्शी है, इसमें कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होती है। कोई आपको सीट नहीं दिला सकता, सीट दिला सकता है आपका स्कोर जो आपने अच्छा करना है। मैं आपको समय समय पर इस प्रकार के काउंसलिंग के बारे में गाइड करता रहूँगा।
तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।